बर्डी स्थित एक लॉज में सोमवार को क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग में छापा मारकर देह व्यापार का पर्दाफाश किया है और आरोपी लॉज संचालक के कब्जे से एक महिला को मुक्त कराया है। बर्डी स्थित तेलीपुरा में नूतन लॉज है। सामाजिक सुरक्षा विभाग को गुप्त सूचना मिली कि लॉज में देह है। कुछ दिन से सादे लिबास में लॉज पर नजर रखी गई। संदिग्ध गतिविधियां नजर आने पर सोमवार को दोपहर 1:30 बजे फर्जी ग्राहक भेजा गया। ग्राहक से संकेत मिलते ही पुलिस ने लॉज में कार्रवाई की। इस दौरान पीड़ित महिला को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार होटल संचालक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कम समय में ज्यादा रुपए करने का लालच देकर उन्हें देह व्यापार की दलदल में धकेल देता था। दलालों की मदद से ग्राहक उपलब्ध कराता था। आज सीताबर्डी पुलिस स्टेशन हद्दीतील तेलीपुरा येथील नूतन लॉज या ठिकाणी अनैतिक देह व्यापार सुरू आहे अशी आम्हाला माहिती मिळाली होती। त्यावर आम्ही या माहितीवरून आम्ही आमचे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजमाने सर तसेच अप्पर पोलीस आयुक्त श्री फुलारे सर यांना माहिती दिली। माहिती देऊन त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित लॉजवर बोगस पंटर पाठवण्यात आले। बोगस पंटर पाठवून तिथे अनैतिक देहव्यापार चालू झाला आणि चालू आहे याची खात्री झाल्यानंतर त्याला दिशानिर्देश दिले व पुढील कारवाईकरता पाठवण्यात आले। पंटरच्या इशाऱ्यावर आम्ही संबंधित ठिकाणी धाड टाकली असता, रेड केली असता तिथे एक मुलगी अनैतिक देह व्यापार करताना आढळून आली। त्यात त्या मुलीला शैलेश कांबळी नावाच्या व्यक्तीने त्या मुलीस सदर धंद्यात टाकले असे निष्पन्न झाले। यावरून ती कारवाई करण्यात आली। यातील पीडित मुलगीला सुधारगृहात पाठवण्यात येण्याची तजवीज ठेवलेली आहे आणि संबंधित कारवाई करून पोलीस स्टेशन बर्डीला पुढील कारवाई करता सगळं त्या दोघांना आरोपींना आणि पीडित मुलगीला तिथे त्यांना ताब्यात देण्यात आलेले। पोलीस स्टेशन बर्डी येथे पुढील कारवाई करण्यात येत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।